भारतीयों ने डिजिटल होने की कवायद शुरू कर दी है। अब हर रोज वो पूरे दिन में करीब 5 घंटे अपने स्मार्टफोन को दे रहे हैं। जी हाँ, लगभग 33% उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्होंने उच्च डेटा पैकेजों के लिए ब्रॉडबैंड योजनाओं को अपग्रेड किया है, जिनमें से 40% असीमित योजनाओं के लिए जा रहे हैं। ईवाई द्वारा एक सर्वेक्षण के अनुसार अधिक डिजिटल करने के लिए बढ़ते आत्मविश्वास को उजागर करते हैं। पिछले 2 सालों में भारत के प्रति स्मार्टफोन डेटा उपयोग में 20% की वृद्धि हुई है, जो औसतन 11 GB प्रति माह है। बताया गया है कि महामारी के संकट के बीच कनेक्टिविटी सामाजिक और आर्थिक जुड़ाव के लिए सबसे बड़ा उत्साहवर्धक रहा है, जिससे पिछले 2 महीने में डेटा खपत में 20-25% की वृद्धि हुई है। स्मार्टफोन पर बिताए गए समय में प्रति उपयोगकर्ता औसतन 4.3 घंटे में लगभग 27% की वृद्धि हुई है। साथ ही कहा कि बदलते उपभोग के पैटर्न जीवन के अधिक डिजिटल तरीके की ओर एक नया सामान्य आकार दे रहे हैं। कई बुनियादी उपयोगकर्ता जो केवल वेब ब्राउजिंग, चैटिंग और कॉलिंग के लिए डेटा का उपयोग कर रहे हैं, उच्च उपयोगकर्ता बकेट में पलायन कर रहे हैं। उपयोगकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने अपने मौजूदा पैक्स को या तो असीमित या 50-100% अधिक डेटा के लिए अपग्रेड किया था, ताकि कंटेंट स्ट्रीमिंग, गेमिंग और वीडियो कॉलिंग अधिक की जा सके। सर्वेक्षण जिसने 2600 से अधिक उपभोक्ताओं के विचारों का विश्लेषण किया, उसने दिखाया कि 76% उत्तरदाता या तो फर्स्ट टाइमर हैं या उन्होंने वीडियो कॉलिंग पर खर्च किए गए समय में वृद्धि की है। ये भी कहा कि बढ़ती कार्यशील आबादी के साथ हाई स्पीड ब्रॉडबैंड की मांग केवल डेटा गहन उपकरणों के उपयोग का समर्थन करने के लिए सर्पिल होगी, जैसा कि घर या रिमोट से काम करना एक वास्तविकता बन जाता है। स्थिर उच्च गति इंटरनेट की आवश्यकता और भी अधिक महत्वपूर्न हो जाती है। सर्वेक्षण में 90% उत्तरदाताओं ने कहा कि वे डिजिटल गतिविधियों जैसे सामग्री स्ट्रीमिंग, ई लर्निंग, इंफोटेनमेंट और सोशल मीडिया पर अधिक समय बिता रहे हैं। लगभग 61% ने कहा कि वे लॉकडाउन के पहले की तुलना में इस वक्त अधिक कंटेंट स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। वीडियो स्ट्रीमिंग पर बिताए गए समय में 1.2 गुना औसत उपयोगकर्ता प्रति सप्ताह 4.2 घंटे की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा 60% उत्तरदाता सदस्यता आधारित वीडियो पसंद करते हैं, जबकि 20% टीवी मनोरंजन पसंद करते हैं। लगभग 50% उत्तरदाता जो टीवी पसंद करते हैं, मूवी शो और समाचार टेलीकास्ट देखने में अधिक समय बिताते हैं। इसके अलावा COVID-19 संकट से डिजिटल शिक्षार्थियों की एक नई नस्ल का उदय हुआ है, जो पहले से कहीं अधिक तेजी से प्रौद्योगिकी अपना रहे हैं। सीखने के लिए लचीलापन, सामग्री तक पहुंच, वर्चुअल क्लासरूम और डिजिटल टूल का उपयोग शिक्षा प्रदान करने के पारंपरिक तरीकों को फिर से तैयार कर रहा है। सर्वेक्षण के रिजल्ट के मुताबिक ई लर्निंग पिछले हफ्तों में 3री सबसे अधिक प्रदर्शन वाली डिजिटल गतिविधि के रूप में उभरा है। लगभग 59% उत्तरदाता ऑनलाइन सीख रहे हैं। इसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म अधिकांश उद्देश्यों के लिए पसंदीदा माध्यम के रूप में ताकत हासिल कर रहे हैं। लगभग 38% उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्होंने पहली बार डिजिटल भुगतान का उपयोग करना शुरू कर दिया है। ई वॉलेट के माध्यम से भुगतान करने वाले 53% उत्तरदाताओं के साथ डिजिटल वॉलेट मजबूत हुए हैं। ईवाई इमर्जिंग मार्केट्स TMT लीडर प्रशांत सिंगल ने कहा कि डिजिटल खपत पैटर्न रोमांचक तरीके से विकसित हो रहे हैं। नया सामान्य डिजिटल उपभोक्ता के लिए हाइपर पर्सनलाइज्ड और कनेक्टेड अनुभव बनाने के लिए बारे में है। उन्होंने कहा कि अब बिजनेस मॉडल के लिए ग्राहकों के वॉलेट और ध्यान के एक बड़े हिस्से को बदलने और कब्जा करने का समय है। साथ ही उन्होंने कहा कि इकोसिस्टम, सहयोग और साझेदारी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और मनोरंजन के उभरते विकास के रास्ते में खेल के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। डिजिटल सेवा उद्योग विकास के लिए तैयार है और सही त्वरक 1.3 बिलियन भारतीयों के जीवन को सक्षम बनाने में एक लंबा रास्ता तय करेंगे। तो आज पूरा देश डिजिटल की ओर बढ़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा स्मार्टफोन यूज किए जा रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि हम अपने बिजनेस को भी डिजिटल तरीके से आगे बढ़ाएं। आप ओके क्रेडिट पर अपना एक डिजिटल अकाउंट बनाकर इसकी एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। हम जल्द लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए ओके क्रेडिट। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।